स्वाति पांडे आपके साथ। भले ही बिहार में सुशासन की सरकार हो, भले ही नीतीश कुमार लगातार छाती चौड़े करके ये कहते नजर आते हैं कि हम यहाँ पर अपराधियों को खत्म कर रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं और बिहार में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से लागू है, बिहार में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें बिहार से निकलकर सामने आ जाती है जिसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हो रहा है और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे तमाम ये आपराधिक घटनाएं जो है वो बिहार में बढ़ती ही जा रही है। अब आपको बताएं तो बड़ी खबर मधुबनी से निकलकर सामने आई है जहां एक सरकारी कर्मचारी वो भी जेल कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों ने गोली मारी है और गोलियों से छलनी कर दिया है, जिसके बाद उस सरकारी कर्मी खासकर वो जो जेल कर्मी है उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बिहार के मधुबनी में दिन दहाड़े एक जेल कर्मी को गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। प्राथमिकी जानकारी के अनुसार झंझारपुर उपकारा में कार्यरत ऑपरेटर अभिरंजन कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जेल जाने के दौरान बेहट के समीप अपराधियों ने उसे रोका था, इस दौरान वो डरकर अपनी बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए भागा और पास के एक घर तक पहुंच गया। ये घर यहाँ की मुख्य पार्षद बबीता शर्मा का बताया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जेल कर्मी का पीछा कर रहे अपराधियों ने उसे 3 गोली मारी, वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मुख्य पार्षद के पति बबलू शर्मा ने जेल कर्मी अभिरंजन को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई। आगे बताए तो जानकारी के अनुसार दिन दहाड़े हुई इस मर्डर से झंझारपुर में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। घटना को लेकर सामने आई ताजा जानकारी के अनुसार वारदात के बाद से इलाके में तनाव है, इसे लेकर के गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम भी कर दिया है। स्थानीय लोग पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आए दिन ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। तो देखिए आपको बताएं तो बिहार में भले ही नीतीश कुमार के लाख दावे क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके अपराधी जो है वो बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन दहाड़े किसी न किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी न किसी को अगवा कर लिया जाता है और इसे लेकर के लगातार तेजस्वी यादव ने जो है मोर्चा खोल रखा है। लगातार वो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर, अपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर और जब भी बयान देते हैं तब भी ये कहते हैं और खासकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्राइम बुलेटिन जारी करते रहते हैं तेजस्वी यादव। तो वहीं इन सबके बीच बड़ी खबर बिहार के मधुबनी के झंझारपुर से जहां एक जेल कर्मी को दौड़ाकर अपराधियों ने गोली मारी और उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।